वैक्सीनेशन हो गया। बोलो बोलो बाबू। आज कुमू का फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ और कुमू ने धुआं 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 करके लो गया ना कुमू, और अब निन्नू कर रहा है, चुपचाप सो गया है ना। डॉक्टर भी कहती बहाना मारा इसने। बहाना मारा, पहले पहले दर्द हुआ, फिर दर्द नहीं हुआ था, खाली मैं भी हुआ है वह किया थे ना, बहुत बिगड़ी है। इसमें शो कर देते हैं, ये लो 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 लो, ये हो गया। और ये अंगड़ाई ले रहा बच्चा, हैं हैं कर रहा, अंगड़ाई ले रहा, ओल ले ले, अरे 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 क्या हो गया, ये वैक्सीनेशन की एनर्जी आ गई इस पे। मैं दूध वूध कुछ नहीं पीना था, अब आधा घंटे तक सोए रहोगे ठीक है, आधा घंटे के बाद फिर मम्मा दूध बनाएगा, दूध पिएगा ना। नहीं चुप रहे बोली, चुप रहे बोले, मुझे सोने दे बोली, मुझे सोने दो मम्मा, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, ले अच्छा मुझे छोने दो, मुझे बहुत ही दर्द हो गया, मैंने बहुत ही मेहनत कर दी ना, मैं यहाँ से कहाँ चले गया वैक्सीनेशन के लिए, बाइक में गया आज पहली बार, आज कुमू पहली बार कहाँ गया, बाइक में गया, हमारी धन्नो में बैठ के गया ना। कैसी लगी बाबू धन्नो की सवारी, कैसी लगी हमारे बाबू को? वैक्सीनेशन के लिए चले गए ना, तो यहाँ साफ सफाई करनी है, और कुमू यहाँ क्या करेगा, पहले सो जाएगा, कुमू सोएगा फिर मम्मा यहाँ साफ सफाई कर देंगी ना। ये कुमू का बिस्तर है यहाँ पे, कुमू के कंबल, कुमू का सब कुछ सोने का है यहाँ पे ना, छोई छोई करेगा मेरा बच्चा ना, आराम से छोई छोई करेगा। वैसे भी बाबू अब दर्द नहीं होगा, पापा ने ना पेनलेस कराया है, पेनलेस वैक्सीनेशन कौन सा कराया है, पेनलेस वैक्सीनेशन कराया है, तो आपको पेन नहीं होगा ठीक है। अरे पापा के लैपटॉप में वो क्या करेगा यहाँ पे बच्चा, उठ के काम कर लेना ठीक है। क्यों बोल रही है यार, इतना ही क्यों बोल रही है, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे ये। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल, और आज का ब्लॉग कुछ इस टाइप से है कि आज काशवी का जो है वो फर्स्ट वैक्सीनेशन है, तो उस पर तो हम अभी वैक्सीनेशन करा के आए हैं और अभी वो सो गई है। और एक स्पेशल बात ये है कि आज कुमू जो है काशवी, हम उसको प्यार से कुमू बोलते हैं घर में, तो वो फर्स्ट बार हमारी धन्नो पे गई है, और बाइक में हम गए थे, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन मैं तो बाइक की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, आपने पूरी वीडियो अगर हमारी देखी होंगी, प्रॉपर हम ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं, तो उसमें अभी मैं हमने देखा कि काशवी को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि वो पूरे रास्ते भर मजे ले रही थी, उसने थोड़ा सा भी परेशान नहीं किया, वैसे भी वो ज़्यादा परेशान करती भी नहीं है। तो अभी आज हम कहीं जाने वाले भी है, और पहली बार काशवी को हमको घर में अकेले छोड़ना पड़ेगा, तो उसका भी हम आपको आगे दिखाएंगे, और वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए कि आगे हम कहाँ जाने वाले हैं। सो गाइस देख सकते हैं हमारी कुम्मू अभी से दुखी हो रही, कह रही पापा मम्मी मत जाओ अकेले मुझे छोड़कर, कोई नहीं आज ताई जी के साथ रहो। सो गाइस अब हम जा रहे हैं पार्टी की ओर, और यहाँ नोनो तैयार हो रही हैं। ताई के साथ है ना बाबू, ताई के साथ है ना। हाँ अच्छा कुम्मू हम जा रहे हैं बाय, अभी आ जाएंगे। हाँ अब पार्टी में जा रहे हैं हम लोग, पूरी दिल में आ जाऊंगे। हाँ ठीक है, ताई को परेशान मत करना ठीक है। ओ निकलूंगी बोली, हाँ ताई के साथ है ना बाबू, ताई को परेशान मत करना, हाँ हम अभी आ जाएंगे। हाँ बाय 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 टाटा। सो गाइस हम पहुंच गए पार्टी में, सो गाइस हम पहुंच गए हैं शिवांश के बर्थडे पर, और अभी डेकोरेशन चली रही है, हम जस्ट पहुँचे हैं, टाइम हो गया 7 बज गया है, और प्लान तो 5-6 बजे का था लेकिन बहुत लेट हो गया। हाँ भाई
हेलो गाइस बोलो बोलो, ये बहुत शर्मा रहा है। शिवांश बोलो, हेलो गाइस बोलो, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो ना इसमें देख के। हेलो भी बोलो मुंह से, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। नहीं बर्थडे बॉय करेगा क्यों नहीं, चाबी वाला ही हो। ग्रूमिंग का, हाँ ग्रूमिंग किट है, ग्रूमिंग किट है ये कुम्मू का। देखो कुम्मू ग्रूमिंग किट, कुम्मू को इसके नेल्स इतने बड़े हो रहे थे कि मैं बिल्ली की तरह वो लगा देती, चिंगारे लगा दिए सबको, और अपनी आंख भी दिख नहीं रहे, चिंगारे लगा दिए फेस में भी पूरे। इसलिए हमने इसके लिए ग्रूमिंग किट मंगा रखा है। तो इसका ये नेल कटर आया है, प्यारा सा नेल कटर, मुझे ओपन करना नहीं आ रहा है, कैसे निकलेगा ये, तो पूरा ही निकल गया, खींचना उसको। ये बहुत प्यारा सा नेल कटर रहा है, लेकिन इसको कैसे करेंगे, अच्छा यूं करके यूं घुमा, अरे बड़ा अच्छा है, अरे इसको ऐसे करके ये ऐसे घुमा के, ये छोटा सा नेल कटर ये जिससे हमारा नहीं कटेगा, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। और इसका कलर इतना प्यारा है ना, कुम्मू के लिए बहुत ही प्यारा बियर बना हुआ है, देखो इतना प्यारा सा बियर, पैकिंग इतनी बढ़िया है इसकी, है ना। ये है इसकी कैची, हमारे कैची भी नहीं है ये, वैसी वाली कैची ताकि नोक देख, नोक लगेगी नहीं है। हाँ, और देखिए इसमें बिल्कुल कुछ ये नहीं, राउंडेड हुआ है इसका, मतलब इससे कोई मतलब नुकसान नहीं होगा, मतलब ना हाँ। अच्छे से सेफ्टी के साथ पूरा हाँ। ये पूरा ग्रूमिंग किट इसके लिए आया है, बाकी ये शायद नेल्स के लिए है हाँ, वो करने के लिए नेल्स को काटने के बाद इसके हाँ। ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, अरे बाल हल लगाने के लिए, अरे आईब्रो, आईब्रो नहीं ये पता नहीं क्या है, ऐसे ही आईब्रो बनाना है, इसके नाक से वो निकालने निकलने वाला है शायद, ऐसे नाक वाक में कुछ हो जाता है गंदगी निकालने के लिए, कान वान नाक नाक का मेन है शायद, पता नहीं अभी पता करना पड़ेगा क्या है। कंप्लीट ग्रूमिंग किट है, लेकिन इसकी पैकिंग बहुत बढ़िया थी, नहीं थी ये इसी के ऊपर, इसके ऊपर तो बहुत प्यारा है, इसका कलर कितना प्यारा है। तो ये कुम्मू का ग्रूमिंग किट आ गया है, बहुत प्यारा सा। अब मैं रेडी हूँ मंदिर जाने के लिए, और आप सभी को फिर से महाशिवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ शुभकामनाएं। और अभी कुम्मू सोई हुई है, तो हम कुम्मू को भी मंदिर लेके जाएंगे आज। मैंने सोचा मैं साड़ी पहन लेती हूँ, बट हम लोगों को बाइक में जाना है, तो साड़ी में मैं बेबी को कैसे पकड़ूँगी, इसलिए मैंने अपना जिस ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ वो मैंने पहन लिया है। वैसे भी मंदिर भगवान नहीं बोलते हैं कि तुम साड़ी पहन के ही आओ, तभी तुम्हारी आस्था दिखेगी। तो और ये मिस्टर आदि यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। सो गाइस हम आ गए हैं महादेव के मंदिर, और ये है शनिदेव। जय महादेव। ये छुटकी के हाथ का चढ़ाएंगे,